या भाई जी के दर्शन बुला लो। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बता दें कि कल जो है नंदन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश पूर्व मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष में NIT नंबर 5 गुरुद्वारा तोची सभा के प्रधान जी हमारे साथ हैं। कल यहाँ से एक बहुत बड़ा विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा और क्या है वो नगर कीर्तन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कितने बजे शुरू होगा, क्या रूट है इसका और क्या क्या इसमें जो है गतका होगा, कौन से बैंड होंगे, किस पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं गुरुद्वारे के प्रधान नरेंद्र भाटिया जी, बात करेंगे। प्रधान साहब, क्या है कल का प्रोग्राम जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है? कल का प्रोग्राम जैसे गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव हम बड़े उत्सव से मनाने जा रहे हैं। वैसे तो गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का तो शुरू से ही मनाया जा रहा है, लेकिन हमने ये एक नई लड़ी पकड़ी है और इस चीज को हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं और सारी संगत से बेनती है हाथ जोड़ के कि इस नगर कीर्तन में बढ़ चढ़ के पहुंचे और नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि वध चढ़ के पहुंचे संतों को वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी, क्या रूट है इस नगर कीर्तन का, कितने बजे स्टार्ट होगा इसके बारे में आप बताएंगे? जी, क्या नाम है जी आपका? संजय भाटिया। संजय जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नंदन श्री गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पूर्व हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, आज इसको हमने अपने गुरुद्वारा तोची सभा 5L 113 114 से जो प्रारंभ कर रहे हैं, ये यहाँ से होते हुए सीधा चार पांच चौक से होते हुए 3 नंबर चिमनी भाई गोल चक्कर से मुड़ के प्राग मेडिकल से 3 नंबर की तरफ मुड़ेगा। 3 नंबर से होता हुआ 3 नंबर ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, एच ब्लॉक के चौराहे से होते हुए सीधा 1, 2 और 3 की चौक से होते हुए विद्या निकेतन गुरुद्वारा माता कर्मवाई से होते हुए सीधा हनुमान मंदिर होके गुरुद्वारा वजीर स्थान, गुरुद्वारा उतली तोची, गुरुद्वारा नौरंगवाल होते हुए 1-2 चौक तक पहुंचेगा। 1-2 चौक से सीधा गुरुद्वारा मार्केट से होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा साहब, वहां से गुरुद्वारा हनुमान मंदिर नंबर 1 की तरफ मुड़ते हुए हमारा रूट जो है हम उसको कल्याण सिंह चौक तक ले जाएंगे। वहां से कल्याण सिंह चौक से गुरुद्वारा संत भगत सिंह जी, गुरुद्वारा संत भगत सिंह जी से फावड़ा सिंह चौक होते हुए वापसी पे गुरुद्वारा साहब से होते हुए हम बीकानेर स्वीट्स से मुड़ते हुए आर्य समाज रोड जो है आर्य समाज रोड बीकानेर स्वीट से मुड़ते हुए बीके चौक से नीलम चौक से होते हुए हम नीलम पेट्रोल पंप के साथ ही अंदर 5 नंबर में वापसी हम गुरुद्वारा सिंह सभा साहब से होते हुए और सब्जी मंडी से मुड़ के हम लोग इट एंजॉय वाली गली से गुरुद्वारा परिचनार और लास्ट में गुरुद्वारा बाबा श्री चंद जी से होते हुए अपने गुरुद्वारा तोची सभा साहब में रात को 10:30-11 बजे तक समाप्ति करने का हमारा पूरा है। आप सभी साथ संगत से विनती है समय से पहुंचकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करो जी। कितने बजे नगर कीर्तन प्रारंभ होगा? नगर कीर्तन का समय जो है सुबह 10 बजे हमने रखा हुआ है जी। आप सभी साथ संगत से अनुरोध है समय से पहुंचे ताकि हम समय से निकाल सकें और जितना भी हो सकता है आप अपने आसपास सभी से ही, क्योंकि ये पहली बार फरीदाबाद में गुरु रामदास जी का नगर कीर्तन निकाला जा रहा है और ये हर साल इसी तरह बड़ी धूमधाम से निकाला जाएगा जी। क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद की संगत से कि क्या किस बात का ध्यान रखें वो रूट पर जब नगर कीर्तन पहुंचे वहां तक, तो किस किस बात बारे में ध्यान रखें, क्या सावधानियां रखें और क्या एहतियात बरतें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए रास्ते में नगर कीर्तन से रिलेटेड? नगर कीर्तन में चलते हुए सारी साथ संगत से अनुरोध है कि आप अपने सामान का, अपने बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि इसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। चलते हुए आप लोग जाम का भी ध्यान रखें कि इस किस रूट से जनगर कीर्तन निकल रहा है उस रूट पर आप लोग कोई गाड़ियां या कुछ किसी तरीके का कुछ
बड़े ट्रक्स या कुछ खड़े ना करें, रुकावट ना हो सके बड़े, क्योंकि इस नगर कीर्तन के अंदर गतका पार्टी और बैंड पार्टियां भी अपना प्रदर्शन करेंगी। तो क्या हम समझे कि जैसे ये गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का नगर कीर्तन निकलता है, सेम उसी तर्ज पे उसी लेवल का बड़ा नगर कीर्तन और उसी रूट पे निकाला जा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उसी नगर जैसे दो नगर कीर्तन हमारे निकलते हैं, गुरु नानक देव जी का और फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, उसी तरह गुरु रामदास जी का नगर कीर्तन हम निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। फरीदाबाद, आपको बता दें कि पहली बार जो है आज तक फरीदाबाद में बड़े नगर कीर्तन हम जो कहें वो NIT 1 नंबर सिंह सभा गुरुद्वारा और NIT नंबर 5 सिंह सभा गुरुद्वारा जो है, ये दो गुरुद्वारे जो हैं, एक जो है गुरु नानक देव जी साहिब जी का और एक गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का जो है नगर कीर्तन निकालते थे, पर ये पहली बार जो है, पहली बार धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी का जो ये नगर कीर्तन है ये उपराला किया गया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है फरीदाबाद के लिए कि एक जो और नगर कीर्तन है हमें जो मिलने जा रहा है फरीदाबाद में, इसी को देखा देखी और गुरुद्वारे जो हैं वो भी आएंगे और इस तरह के नगर कीर्तन निकालेंगे। और सावधानियों की बात करें तो नगर कीर्तन में जो है बाइक और अपनी गाड़ियां जिस तरह से लगाई जाती हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरह से जो है भीड़ भाड़ ना मचाए, बहुत ही मर्यादित तरीके से जो है नगर कीर्तन में शामिल हों, मथा टेके आप कीर्तन करके जो है गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। और इस तरह से पटाखे बजाना और बाइक पे उदम मचाना जो है ये गलत है और पुलिस भी इस पे अपनी कार्रवाई करती है और एक्सीडेंट के खतरा बढ़ता है, एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है। और एहतियात के तौर पे जो है बाइक ना निकालें, गाड़ियों से ना चलें, नगर कीर्तन के साथ पहले साथ साथ चलें। और एक और बड़ी बात, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्टॉल जो लगाते हैं वो इस तरह से स्टॉल लगाए जाएं कि रास्ते में कहीं दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, कहीं ट्रैफिक जाम ना हो। अगर कोई गेट लगाता है तो गेट की हाइट की बात करते हैं, एक बार गेट की हाइट की बात करेंगे, जो गेट अगर कोई लगाता है तो कितनी हाइट पर गेट लगाना चाहिए, आपकी पालकी की हाइट जो है वो कितनी? पालकी की हाइट कम से कम 12 से 13 फुट है, जो भी गेट लगाए 15 फुट की हाइट का गेट, कम से 15 फुट की हाइट का स्वागत के लिए जो गेट सजाया जाता है वो गेट जो है 15 फुट की हाइट का होना चाहिए, ताकि जो है पालकी साहब जो है आसानी से निकल जाए। आपको बता दें कि गतका पार्टियां इसमें है, पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन सुबह 10 बजे जो है यहां से प्रारंभ होकर सेम उसी रूट पर जहां से जब एक नंबर से नगर कीर्तन निकलता है तो वो घूमते हुए पांच नंबर होते हुए, दो नंबर होते हुए फिर वापस एक नंबर जाता है, मगर ये नगर कीर्तन पांच नंबर से निकलेगा गुरुद्वारा तोची सभा 5L ब्लॉक से, गुरुद्वारा तोची सभा 5L ब्लॉक से ये नगर कीर्तन निकलेगा और घूम घुमा के जो है ये पहुंचेगा 3 नंबर होते हुए प्रयाग मेडिकल स्टोर से घूमते हुए गुरुद्वारा नानक दरबार है, सी ब्लॉक गुरुद्वारा है, वाणु पंचायती गुरुद्वारा, महावीर दल नंबर 2, माता कर्मो भाई लखानी के होते हुए उथली तोची साहब गुरुद्वारा 2E ब्लॉक है, भाटिया सेवक समाज 1-2 की चौक से होता हुआ NIT मार्केट नंबर 1 सिंह सभा गुरुद्वारा, उसके बाद महावीर दल जो हनुमान मंदिर है हमारे मेन मार्केट का वहाँ, उसके बाद आपका ये कल्याण सिंह चौक गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी का, फिर संत भगत सिंह जी महाराज पावड़ा सिंह चौक होते हुए गुरुद्वारा माता राम कौर जी का गुरुद्वारा है, वहां से होते हुए नाथी चौक से होते हुए बीकानेर वाली साइड आर्य समाज रोड बीकानेर वाली साइड से होते हुए बीके चौक से होते हुए फिर पेट्रोल पंप आकर सलूजा पेट्रोल पंप के साथ गुरुद्वारा गुजरात ट्रेन साहब से गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब है 5D ब्लॉक का, उसके बाद गुरुद्वारा सिंह सभा जो मेन गुरुद्वारा है NIT 5 नंबर का गुरुद्वारा सिंह सभा जिसको सभी जानते हैं, उसके बाद कलगीधर साहब गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा है, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे रास्ते में और आते हैं, परचनार जी का है, बाबा श्री चंद जी का गुरुद्वारा है 5M ब्लॉक, उसमें होते हुए रात लगभग जो है इनकी कोशिश रहेगी कि 10:30-11 बजे तक समाप्ति कर दें, संतों का सहयोग चाहिए, बहुत सहयोग के बिना जो है कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये जो सहयोग आपका है ये समय सिर यहाँ नगर कीर्तन को पहुंचाने में बड़ा मायने रखता है। तो आप सभी से अपील है, अनुरोध है कमेटी की कि वो जो है समय का ध्यान रखे, अगर समय से सुबह जो है नगर कीर्तन निकाला जाएगा तो समाप्ति भी जो समय से होगी, और समय सर्दी का मौसम है, रात अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो कमेटी चाहती है कि टाइम से जो है समाप्ति हो जाए और सब बिना किसी विघ्न के जो है ये जो है नगर कीर्तन निपट जाए। फिर जोड़ेंगे फरीदाबाद, और कुछ भाऊजी और कोई अपील आपकी?
बाबूजी कुछ आपसे आपने कहना हो? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारे प्रधान जी और हमारे संजय जी ने बताया है, और जो रोड भी बताया आपने भी बताया, उन्होंने बताया, बस सफाई का विशेष ख्याल रखें, जो भी स्टॉल लगाए सफाई का विशेष ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस बार हम ये नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर साल हम ये नगर कीर्तन निकालें और गुरु रामदास जी को याद करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। फरीदाबाद, अगर आप चाहते हैं कि नगर कीर्तन ऐसी तरह से चलता रहे, हर साल आप बीच जो है नगर कीर्तन जो है निकलता रहे और आप दर्शन दीदारे करें, तो आपके सहयोग की बड़ी जरूरत है। आपसे साफ सफाई की बात कर रहे हैं, अगर आप स्टॉल लगाते हैं तो आप अपना जो है स्टॉल का जो कूड़ा कचरा है उसको डालने के लिए प्रबंध कीजिए। आप डस्टबिन लगाएं, बड़े बैग लगाएं, गार्बेज बैग लगाएं, उसके बाद स्टॉल नगर कीर्तन निकलने के बाद सफाई करवाए उस इलाके की, उस एरिया की सफाई कराए जहां आपने स्टॉल लगाए। सफाई का और ट्रैफिक व्यवस्था का जो है विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी आने जाने वाले को ना दिक्कत हो। हम प्रबंधकों से भी कहेंगे कि वो इस तरह से मैनेज करें कि सड़क पर जो है कम से कम एक इमरजेंसी व्हीकल की लाइन जो है उसको साइड देते हुए नगर कीर्तन को निकाला जाए, ताकि कोई अनहोनी होती है, कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड, तो रास्ता मिल सके और जो है नगर कीर्तन भी चलता रहे और किसी तरह से किसी को दिक्कत भी ना हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद तमाम ऐसी और खबरों के साथ। आपको बता दें कि 5L ब्लॉक गुरुद्वारा तोची सभा, NIT 5L ब्लॉक गुरुद्वारा तोची सभा से सुबह 10 बजे जो है साहिब श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। आपको बता दें पहली बार फरीदाबाद में पहली बार निकाला जा रहा है ये नगर कीर्तन। आज तक आपने गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का और गुरु नानक देव जी पातशाह साहिब जी का जो है वो नगर कीर्तन, बड़ा जो हम कहेंगे बड़े नगर कीर्तन जो फरीदाबाद के हैं वो देखे होंगे, मगर इस बार जो है गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश पर्व जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और आप इसमें होमोमा कर पहुंचे और गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।